खबर देखने से पहले इस चैनल को यहाँ क्लिक कर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर सभी खबरें सबसे पहले पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मुंबई की खबरों में। आइए देखते हैं मुंबई में क्या कुछ हो रहा है खास। कुर्ला को नक्शे से गायब करने की तैयारी। कुर्ला और चेंबूर में जगह जगह एटम बम। एलपीजी गैस कितना खतरनाक है ये हमें बताने की जरूरत नहीं। आए दिन कोई ना कोई हादसा एलपीजी गैस की वजह से देखने को मिलता है। ताजा मामला साकिनाका का है, जहां 12 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिस पर अब कार्रवाई भी हो रही है। पर आज हम आपको कुर्ला में चारों तरफ लगे एटम बॉम्ब दिखाएंगे, जहां एक गलती की वजह से पूरा कुर्ला नक्शे से गायब हो सकता है। ये टेम्पो और ट्रक एलपीजी सिलेंडर गैस से लेस है। एक सिलेंडर कितना खतरनाक है ये तो आप सब जानते ही है, और खुद इस कंपनी के मैनेजर भी बताते हैं कि ये कितना खतरनाक है। कि ये एक, हम लोग तो बोलते हैं कि ये सिलेंडर नहीं है, एक टाइप का बॉम्ब आपके घर पे लेके जा रहा है, ये बॉम्ब है। जब एक सिलेंडर एटम बॉम्ब माना जाता है तो अंदाजा लगाइए कि ट्रक में लदे इतने सारे सिलेंडर से क्या हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, कुर्ला स्टेशन के करीब और रहिवासी इलाके के बीचों बीच इस गोडाउन पर भी एक नजर डाल लीजिए। यहाँ इतने सिलेंडर है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना नुकसान हो सकता है। इस मामले को जब एल विभाग के प्रभाग समिति के अध्यक्ष दिलीप लांडे के पास लेकर जाया गया तो उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई करने की बात कही। अब देखना होगा कि इस गोडाउन और जगह जगह पर मौजूद ये ट्रक और टेम्पो को हटाने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, और कुर्ला के रहिवासियों की जिंदगी पर मंडराते इस मुसीबत को कब दूर करती है।